वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। आइए देख लेते हैं क्या न्यू अपडेट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो न्यू अपडेट क्या है उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे जो टेलीग्राम है उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना होगा बाबू ऑलराउंडर @ या फिर MPPSC गुरुजी पर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या न्यूज़ खबर है। तो MP के विषय में या अन्य 8 राज्यों में जो राज्यपाल का परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो देख लेते हैं 8 राज्यों की जो नियुक्ति हुई है वो कहाँ कहाँ पर हो गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं या प्रधानमंत्री की सलाह पर ऑब्वियसली किया जाता है, डायरेक्टली तो नहीं करते हैं आजकल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। तो केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया। वहीं हरिबाबू कंबनपति को मिजोरम का, मंगूबाई छगन पटेल मध्य प्रदेश के, वहीं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश राज्यपाल नियुक्त किए गए, ठीक है। वहीं सत्यदेव नारायण आर अब त्रिपुरा के बन गए हैं। वही PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का और रमेश बैस झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए। तो आइए देख लेते हैं MPPSC का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो देखिए, मगन भाई छगन भाई पटेल अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। तो ये जो राज्यपाल बनाए गए हैं, अब आनंदी जी बहन पटेल जो थी उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये हैं छगन भाई पटेल, ये मोदी जी के काफ़ी समर्थक रहे हैं और RSS के कट्टर समर्थक हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। तो जैसे कि न्यूज़ में आप देख सकते हैं, मंगू भाई जो छगन भाई पटेल, इनका पूरा नाम है, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, काफ़ी अच्छे नेता हैं और काफ़ी टाइम से ये जो हैं गुजरात विधानसभा के चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहाँ पर ये उसके डिप्टी अध्यक्ष हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें। तो आइए देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उन्होंने 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। गुजरात में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। पटेल नवसारी जिले के विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वहाँ से चले गए, जैसा कि बताया मैंने आपको, कट्टर संघ से जुड़े हुए, 8वीं पास, कहीं कहीं पर नबी पास भी लिया गया, तो आप नबी पास भी बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल हैं, वहीं महामहिम राज्यपाल होते हैं, ठीक है। वहीं मंगू भाई पटेल गुजरात के नवसारी से 5 बार और 1 बार अन्य क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, ठीक है। मोदी कैबिनेट में वन पर्यावरण मंत्री रहे हैं, यही दक्षिण गुजरात के प्रमुख आदिवासी नेता रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं और क्या क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ किस किस को नया नया पद दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत जो कि राज्यपाल अब बना दिए गए, इसके बाद क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि अब वो राज्यसभा सदस्य बनाए गए हैं, ठीक है। तो राज्यपाल बनाने के बाद सिंधिया को कैबिनेट में सीट मिल सकती है, ठीक है। 77 वर्षीय मंगूभाई पटेल हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है आपको। वहीं 2014 से भी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया उन्होंने, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के राज्यपाल होंगे, तो ये टर्म याद करना है, 19 नंबर के राज्यपाल रहेंगे। इससे पहले जो है आनंदीबेन पटेल थी उनको रिप्लेस कर दिया है। अभी तक तो आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी की राज्यपाल हैं, तो उन्हें वहाँ का राज्यपाल, मतलब अब वो वहीं सिर्फ वहीं के अतिरिक्त जो प्रभार उनके MP का दिया गया था लालजी टंडन के बाद, तो उसको समाप्त कर दिया गया, तो उसके बाद इनको चुना गया, ठीक है। तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन है देख लीजिए। ये उनकी विधानसभा सीट से नवसारी, वहाँ से ये चुनाव लड़ते थे, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ है 1 जून 1944 को नवसारी में हुआ था। एजुकेशन अप टू स्टैंडर्ड 9th, ठीक है। तो जिन्होंने भी 8वीं लिखा है वो गलत है, ये नबी है जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनके पत्नी का नाम क्या है, नर्मदा बहन है। वहीं इनके 3 बेटियाँ, ठीक है। ऑक्यूपेशन सोशल सर्विस, मेंबर कब कब रहा है ये सभी हैं, ठीक है। एट लेजिस्लेटिव असेंबली 9th, 10th, 11th गुजरात असेंबली में ये उसके सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अब ये राज्यपाल बना दिए गए। तो दोस्तों, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी हमारे जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और भी कोई जानकारी होती है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।